कमिंग. तो आई रियली लव द सॉन्ग. और उसकी बहुत ही हम लोग ने बहुत मेहनत से शूट किया. एंड लाइक like all the time we have been on the shot while we are driving, so sir is all time taking the camera and following us. So yes, bahut hi pyar se aur bahut acche se humne song banaya, and I really hope and wish aap sabko utna hi pasand aaye. Ma'am, Red Bull music ki baat kare, Red Bull studio is ke par ek director web series aur jeet bhai jo direct ki section hai, isliye kya kaam kare. सो अभिषेक सर बहुत अच्छे डायरेक्टर है और वो सीरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. तो अभी ये सॉन्ग भी उन्होंने किया, फिर हमारी एक और सीरीज़ सर के साथ आ रही है तो वो भी बहुत अमेजिंग होने वाली है. सो बहुत टैलेंटेड हैं सर. सो इससे पहले मैंने एक बॉलीवुड मूवी करी थी फ्लैट 211 एंड दैट गॉट रिलीज एंड आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दैट मूवी. मैंने तमिल मूवी करी थी कूथन, फिर बहुत सारे डिजिटल एक्ट्स करे हैं एंड बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस की है जस्सी जज्बी के साथ, शान के साथ, जी के लिए, टी सीरीज़ के लिए. एंड अभी रिसेंटली डिज्नी हॉट स्टार पे 1x1 शॉर्ट मूवी आई है विद आनंद पंडित प्रोडक्शन हाउस. तो थोड़ा बहुत बस चल रहा है सर. अभिषेक सर के साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड सर बहुत ही मतलब एक्टर्स को पूरे सेट पे काम डाउन करते थे एंड लाइक इज अ वेरी सपोर्टिव डायरेक्टर एंड उनका विजन है, इज लाइक प्रॉपरली सॉर्टेड कि उनको कैसे क्या शॉट लेना है. सो इज अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. शूट के दरमियान कोई ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जो आपके जहन में घूम बनी हुई हो? सच्ची में बेहोश हो गई टैटू बनाने की मशीन सच में चल पड़ी थी एंड शी वाज लाइक ये क्या हो गया. फेंटेड Yes. क्या फील कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग? आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद रेड बल एंड स्पेशली अभिषेक सर. ही इज अ वन मैन आर्मी. एक्टर को अपना स्पेस देते हैं, जो उसको करना होता है वो करने देते हैं, जो कि एक्टर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं. तो आई एम वेरी होपफुल कि भाई मेरा गाना है उनके साथ आ रहा है एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट लेटर सीरीज एज वेल. सो आई हैव वर्क विद अभिषेक सर बिफोर एज वेल. तो बिल्कुल, मैं स्पेशली अमित जो हमारे सिंगर हैं इनको बोलना चाहूँगा. बहुत ही अच्छी आवाज़ है एंड वेरी नाइसली कंपोज शुभांकर को. और मैं चाहूँगा कि भाई आगे आने वाले भी इनके गानों के मैं और पार्ट बनूँ. और म्यूज़िक मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है और अभी मैं एज एन एक्टर गानों में काम कर रहा हूँ. इट्स वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड. सो माई फर्स्ट मूवी वॉज मिसिंग ऑन अ वीकेंड एंड आफ्टर दैट आई वर्क्ड इन नाम शबाना अलॉन्ग विद नीरज पांडे सर. एंड आफ्टर दैट अभी मेरी दो वेब सीरीज ऑन एयर हैं, एक डिज्नी हॉट स्टार पे है रॉन्ग वे एंड अनदर वन इज़ मुसाफिर विच इज़ ऑन एमएक्स प्लेयर. एंड देयर इज अनदर साउथ मूवी विच आई डिड विद अभिषेक सर ओनली. एंड पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे तारीफ किया यार. थैंक यू सो मच, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा एक पहला साउथ का प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस गाने को थोड़ा प्रमोट करें, शेयर करें, आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे एक सक्सेस बनाएं. सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर रेड बुल म्यूजिक की बात करें तो रेड बुल म्यूजिक जो आप जैसे आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हाँ जी, आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ जी, आप आने वाले फ्यूचर के सुपरस्टार होंगे. थैंक यू सो मच. ऐसी कंपनी के लिए क्या करना? बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्शन और अभिषेक सर जैसे लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्री में, कि नए टैलेंट को स्काउट करें और उनको निकालें, उनको उनका ड्यू दें, काम करने का स्पेस दें. और ये एक मीडियम ऐसा है कि भाई आप इसमें म्यूज़िक वीडियो हो गए, वेब सीरीज़ हो गए, फिल्म्स हो गई, अभी चीज़ें इतनी खुल गई हैं कि आप किसी भी एक चीज़ से एक बड़ा काम कर सकते हो. एक एक्टर के लिए एक म्यूजिक वीडियो में आना इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. एंड स्पेशली सिंगर और कंपोज़र जो नए जुड़ रहे हैं सर के साथ, सर की म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छी है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो नए लोगों के साथ काम करते हैं, उनको उनका स्पेस देते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, सबको देना चाहिए और उनको उनका काम करने देना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. अब से सर क्या करना चाहेंगे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर? मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर कहना चाहूँगा अभिषेक सर के साथ मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया हुआ है. जैसे मैंने डिज्नी हॉट स्टार हो गया, फिर जीफाई हो गया, फिर मोर ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड का वर्क किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में मोर ऑफ था. उसके बाद मेरे को स्टेप इन करना था सॉन्ग में, तो
तो सॉन्ग्स के लिए मुझे सबसे बेस्ट पार्टनर लगे अभिषेक सर की, उनका जो थिंकिंग है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लेके आओ ट्रेंडिंग जो चल रहा है उनका कॉपी करो, ऐसा नहीं है। वो अपने सोल को आप बोलते ना आप खुला रख सकते हो, तो उस गाने का मेरे को लगा कि मैंने मेरे से जितना हो सकता था तो मैंने उसको उतना 100% दिया है। और सर के जो जितने गाइडेंस थे उसके हिसाब से मैंने गाना बनाया, चीज़ें करी और फिर इसको आपके सामने प्रेजेंट किया। मैं चाहूँगा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चीज़ें को आगे पहुँचाओ, क्योंकि गाना एक गाना खाली नहीं है, बहुत अच्छी जर्नी लेके जाएगा। आप सब लोग सुनो, आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जरूर, क्योंकि शेयर होगा तभी उसकी बात आगे बनेगी। बिल्कुल सर, ये आपका थीम है कि आज ये ब्लैक एंड व्हाइट गाना है और ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में दिख रहे हैं, ये थॉट भी सर का ही है। मैंने कहा ना वो जो सर है अभिषेक सर का जो डायरेक्शन है वो हर एक पैटर्न में चल रहा है। जो आर्टिस्ट भी होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके लिए हम लोगों ने सोचा ना कोई यूज नहीं करा ब्लैक एंड व्हाइट। एक ब्लैक एंड व्हाइट कितना इजी नाम है, सिंपल वर्ड है जो आप सब लोग को आपने बचपन से सुना, लेकिन वो उसको गाने की तरफ है जब उन्होंने जब उसको प्रस्तुत किया आपके सामने, तो हमको लगा कि आपसे कुछ रिलेट कर सके हम भी, कि आपके वो कई एक क्लोज पॉइंट में हम लोग भी पहुंच सके। कलरफुल ये आर्टिस्टों ने बनाया, क्योंकि जैसे आप देख रहे हमारे हीरोइन को, हमारे एक्टर को, हमारे सिंगर को, आपके लिरिक्स और आपकी म्यूजिक के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो बस ये सबकी साथ की बात है, आप लोग सब लोग साथ में जुड़े रहोगे, आप लोग जितनी बार हमें मिलते रहोगे, आप लोग जितना हमें प्रमोट कर सकते हो ये न्यूज ही जाएगा तो हमें कुछ होगा। आप लोगों को पता आपकी जो पावर है दैट इज अल्टीमेट, आप लोगों के पास आप लोग खाली पीछे खड़े हो, लेकिन आप लोग ही हो जो सामने इनको ना दिखा सकते हो। तो अगर आप लोग चाहोगे तो ये गाना ट्रेंडिंग चार्ट बस्टर भी टच कर जाएगा और गाने ऐसे ही, और क्योंकि हमारे 11 गाने आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4, सर के साथ मेरे 11 सॉन्ग ऑलरेडी डन किए हुए हैं। इसके बाद तू आशना आ रहा है, दिल्ली मेरा आ रहा है, नदिया आ रहा है, काफ़ी सॉन्ग्स है। आपको गाने की एक जर्नी मिलेगी हमारे साथ में, एक मेलोडिक जर्नी बोलते थे ना जो आप पुराने टाइम में आप सुनते थे, आप अभी बोलते होंगे कि वो गाने कहाँ गए या वो मेलोडीज कहाँ है, जो मेलोडी क्यों नहीं है, म्यूजिक की कमी क्यों है, तो वो शायद से आपको हमारे से मिल पाएगी। शूट पूरा सर ने, ये सर सर और सब आर्टिस्ट गए थे, क्योंकि हमारा क्या था काम ऑडियोज पे था, तो हमने ऑडियोज पे ध्यान दिया। I think mostly north गोवा, और हमेशा से ही गोवा हमारा सबका फेवरेट रहा है। तो जैसे ही प्लान बना वहाँ जाने का, आई टोल्ड यू जैसे हमने वहाँ पे ऑलरेडी वी वर शूटिंग फॉर अ सीरीज, तो वो फिनिश करके तो फिर गोवा तो एक ऐसी जगह है, रोमांटिक प्लेस, रोमांटिक सॉन्ग एंड तो सारी चीज़ें सेट हो गई और ऐसे शूट किया। एक्चुअली शुभांकर के साथ मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, सो क्योंकि इनका जो म्यूज़िक थॉट है और मेरा जो म्यूज़िक थॉट है बहुत मिलता है। हम लोग प्योरिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि जो ट्रेंड पे चल रहा है या जो भी चल रहा है उस पर, क्योंकि गाना सुनने को अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको कितना भी आप ट्रेंडिंग चले जाओ एक ना एक दिन वो फेड आउट हो जाएगा। इस एक दिन मतलब ये जो गाना था उसमें मैं किस्सा सुनाता हूँ, ये गाने का मैं किस्सा सुनाता हूँ कि शुभांकर ने जब शुभांकर जब ये गाना बना रहे थे तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं कहीं और था, कुछ और काम कर रहा था। तो एक दिन इन्होंने कॉल किया कि यार ऐसा था मैं कुछ सोच रहा हूँ, कॉल किया इन्होंने मतलब कि ऐसा कुछ हुक है ब्लैक एंड वाइट सी तू है मेरी जिंदगी, कलरफुल वर्ड था ही नहीं इसमें, मतलब इसको थोड़ा सा थीम करते हैं ब्लैक एंड वाइट टाइप कुछ बनाते हैं पुराने ओल्ड टाइप का, मतलब कि हाँ कुछ बना सकते हैं सब की एक यूनिक वर्ड है। एक्चुअली हुक इन्होंने ही क्रिएट किया था, बाद में इसके ऊपर हुक बनाया और स्थाई लिखा गया, लिरिक्स लिखा गया, सो ये एक जर्नी थी। फिर इन्होंने वो पूरा गाना क्रिएट किया, कंपोज किया, उन्होंने फिर मुझे बताया ताकि ऐसा ऐसा है इसको थोड़ा रोमांटिक वे में लेके जा सकते हैं, मतलब ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैंने कुछ लिखा था उस पर, फिर वो चेंज आउट हुआ, फिर इन्होंने लिखा, सो इस तरह से ये गाना हमने बना मतलब इन्होंने बनाया और मैंने गाया है। सो ऐसा है कि हमारा गाना मतलब ऐसा है कि एक जर्नी है हमारे स्टूडियो में, क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, उससे रिलेटेड ही आगे जाके उसके ऊपर वीडियो क्रिएट होता है। तो रेडबल स्टूडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? रेडबल स्टूडियो एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जो कि प्योर आर्टिस्ट को इन लोग फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो कि ज़्यादा उस चीज़ को प्रमोट नहीं करा जाता अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट के दौरान सो उनका ऐसा है कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज होनी चाहिए,
तब जाके लोगों को पसंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एज अ राइटर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, वाकई में जिनकी आज भी लाइफ ब्लैक एंड वाइट है और अपनी लाइफ को कलरफुल करना चाहें, उनके लिए आपकी तरफ से एज अ राइटर क्या? शादी कर ले। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है, पर ठीक है वो भी। सॉन्ग्स को हमारे ऑडियंस के लिए को देखेंगे, उनके लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सॉन्ग को। जी रहा था मैं ऐसे ही वैसे ही, तू मिला तो मिल गया जैसे ही, भूल गया था मैं मुस्कुराना, याद तू फिर दिला गई, मेरी आंखों में ख्वाब तू फिर सजा गई, ओ ब्लैक एंड व्हाइट सी थी ये मेरी जिंदगी, आने से तेरे कलरफुल हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट सी थी ये मेरी जिंदगी, आने से तेरे कलरफुल हो गई। सर ऐसे ही जो क्वेश्चन है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है जो कि इसमें जो है फुल जो है लव फील मतलब हुआ है इस सॉन्ग को, तो आप सभी से क्वेश्चन है कि आप लोगों को कितना लव फील होता है? क्या गाना सुन के? गाना या और किसी लड़की को देख के? तुम्हारी भी लड़की है। बिल्कुल वही टैटू आर्टिस्ट था, गाना बना ही है प्यार से, प्यार से है और प्यार के लिए, तो इसमें लव फेल होने की गुंजाइश ही नहीं। मैं अभी नए में जैसे हमने कहा कि रेडबल के साथ ऑलरेडी गाने हमारे रेडी हो गए, तो ये गानों की अपनी जर्नी होती है, तो वो हमारा रेडी हुआ है। अभी मेरी मराठी मूवी भी रिलीज़ हो रही है दिल दोस्ते दीवानगी, वो भी थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है अक्टूबर में, और उसके बाद काफ़ी वेब सीरीज़ है, काफ़ी वेब सीरीज़ है, मैं कह रहा हूँ मैं इतने वेब सीरीज़ कर चुका और कर रहा हूँ कि हम लोग को बस छुपा के रखा गया। हम लोग वो आर्टिस्ट है जो दिख नहीं पाए, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलते ना आपकी मीडिया की पावर मुझे पता है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग होंगे कि तो ये गाने की एक अलग फ्यूचर होंगी। Exactly. तो उसके साथ हम जो आर्टिस्ट जुड़े हैं ना तभी उसका फ्यूचर अलग है। Exactly. जैसे आपने देखा इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, जो लाइमलाइट में ना आप लोग ला सकते हैं। तो लाइमलाइट में क्या होके आता है पता है, क्या जो लीड कर रहा होता है ना वो मोल्ड कर सकता है लोगों को। जैसे आप लोगों का भी मोल्डिंग है, हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, जो टॉप में हम भी जब भी वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमने भी एक जर्नी देखेंगे, तो जो जर्नी की हमारी शुरुआत है ऑलरेडी वेब सीरीज मूवीज़ के साथ ऑलरेडी है, तो बैकअप ऑलरेडी मूवीज है, लेकिन आप प्रेस वाले हमें जब भी मिल जाओगे तो समझो हमारी बात बन जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट इसके जो म्यूजिक कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि देखो सिंपल गाना बनाने में ज़्यादा टफ होता है, एक आप बहुत सारे वायलेंस बुला लो, आप बहुत सारे गिटार्स बुला लोगे, बहुत सारे रिदम बुला लोगे, आप हाई म्यूज़िक बना सकते हो, एक सॉफ्ट एक मेलो म्यूज़िक बनाना टफ है, क्योंकि उसमें आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कम रखने पड़ेंगे, चीज़ें आपको थोड़े से कामनेस रखनी पड़ेगी, जिससे जो आर्टिस्ट है वो भी खोलेगा, जो सिंगर की वॉइस को हम लोग आने के लिए देंगे या सामने जगह, और जितनी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हमें म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर हमें बहुत समझना पड़ता है कि कौन से, अगर जिसमें इसमें मैंडोलिन यूज़ किया गया है, इसमें चिरांगो यूज़ किया गया है, इसमें आप काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आगे जब आप इसको सुनते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि, क्योंकि हमारे लिए भी एक दुनिया है अलग, मेरे लिए कि एक एक इंस्ट्रूमेंट को जब हम पिरोते, जैसे मेरा जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है इसमें उसका नाम अनुराग दुबे और मयूर है, इसका मिक्सिंग इंजीनियर है मयूर है, इसका जो हमने रिकॉर्डिंग किया है वो सारा रिकॉर्ड में किया है, तो इसका एक बहुत बड़ा टीम होता है, ये हम खाली 4 है जो हम फ्रंट लाइन है, मैंने कहा ना आप लोगों के साथ ही मिलकर ये बना है, वैसे मेरी भी हमारी बड़ी टीम जुड़ती है तब जाके ये बन के आता है। Exactly. तो हमारी बहुत मेहनत लगी है ये सब चीज़ बनाने में, आपका सपोर्ट अगर हमारे साथ रहा और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे तो आप और मैं हर हफ्ते यहीं पे मिलेंगे और हर नए गाने के साथ मिलेंगे, हर नए गाने के साथ मिलेंगे, तो क्या होगा आपका जितना सपोर्ट मिलेगा ना वही हमें दिखेगा और आप ही हम लोग आगे लेके जाओगे। जी आपसे काफी सवाल करना चाहेंगे, एज अ जैसा कि अभी आपसे पहले वहाँ पे एंकर ने बोला कि एज अ लिरिक्स एज अ राइटर ये दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलता है, इतना ये रहा। देखो मैंने शुरू करी थी अपनी करियर एज ए सिंगर, फिर बाद में मुझे पता चला कि लिरिक्स भी बहुत मैटर करता है गाने से पहले, क्योंकि शब्द जब तक लोगों को नहीं कनेक्ट करेंगे, गाना आप कितना भी अच्छा बना लो वो कभी भी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता। अभी आप पहले पुराने गाना अगर देखोगे तो एक प्यार का नगमा है, कभी खुशी कभी गम है, तो ये सब
जो गाने होते हैं इनके लिरिक्स इतने पावरफुल होते हैं वो गाने को उठा देते हैं, तो वो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था कि यार लिरिक्स अच्छा होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए, तब जाके गाने को वो निखारेगा, नहीं तो गाना आप कितना अच्छा बना लो वो निखर नहीं सकते। ऑडियंस हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ जी, हम लोगों ने मीडिया के लोगों ने देखा सॉन्ग को काफ़ी पसंद किया, उसने इनको टच किया, तो अपने ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से क्या है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर किए दीजिए, देखिए आप, और अपनी लाइफ में भी कुछ कलरफुल चीज़ ऐसे ही लेके आइए, तो जो भी छोटी मोटी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं एक आपके लवेबल पार्टनर आने से सब निकल जाएंगे। शादी करूँगा।